दोस्तों, आज हम आपको बीजापुर के गोल गुंबद के बारे में बताएंगे जो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। और आपने कभी बीजापुर का गोल गुंबद देखा है? और अगर देखा है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह की तहखाना है। जो बीजापुर के सुल्तान थे वो आदिल सावंत के सातवें शासक थे। इस शानदार स्मारक का निर्माण वह 1656 में डबुल के वास्तुकार जुकु द्वारा किया गया था। स्मारक का नाम गोला गुमता या गोल गुंबद है, जिसका अर्थ गोलाकार गुंबद है। दक्कन की वास्तुकला के अनुसार निर्मित गोल गुंबद कर्नाटक राज्य में स्थित भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है। अगर आपको सिटीज टूर ट्रेवल्स की वीडियो देखना पसंद है तो दबाइए उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को और साथ में उस बाजू वाले बे आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी सारी अपडेट सबसे पहले पहुँचे आप तक। स्मारक की भव्य संरचना प्रत्येक तरफ एक गन से बनी है। इसे बाहरी व्यास में गुंबद द्वारा कैंप किया गया है। विशाल गुंबद के अंदर फुसफुसा गैलरी चारों ओर चलता है। इन्हें नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अंतरिक्ष की ध्वनि के कारण ध्वनि की थोड़ी सी भी आवाज दूसरी तरफ सुनी जा सकती है। गोल गुंबद का निर्माण वर्ष 1626 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसकी संरचना को पूरा करने में लगभग 30 वर्षों का समय लगा। इसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण AASI के द्वारा किया जाता है। डार्क ग्रे बेसाल्ट से बना स्मारक गर्भ से डेक्कन इंडो इस्लामिक शैली का वास्तुकला का प्रदर्शन करता है। स्मारक व्यापक रूप से अपने आयामों और अद्वितीय ध्वनि विशेषताओं के लिए जाना जाता है। इसे कभी कभी दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। मोहम्मद आदिल शाह की कब्र के साथ साथ गोल गुंबद उनकी पत्नियों और बेटियों के लिए भी आरामगाह है। गोल गुंबद को राष्ट्रीय महत्व की भव्य संरचना के रूप में जाना जाता है, इसलिए यह पूरे वर्ष भर दुनिया भर के यात्रियों द्वारा दौरा किया जाता है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।